गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और टेम्परेचर हो रहा है 25 डिग्री। और भाई ये देखो क्या मौसम हो रहा है, बिल्कुल उस तरफ मसूरी में तो बिल्कुल ही खतरनाक मौसम क्रिएट हो चुका है। आज और भी ज्यादा खतरनाक रहेगा मुझे लग रहा है। जिसको भाई मजे लेने हैं ना मसूरी में वो जा सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा धूप निकली है थोड़ी बहुत देर में, लेकिन ये भी चली जाएगी। बहुत भयंकर मौसम है, मजा आने वाला है अगले 1 या 2 या 3 दिन। इस तरफ तो पूरा खुला हुआ है हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ, सिर्फ इस तरफ ही मसूरी की तरफ ही हो रहा है ये मौसम ऐसा। मानसून का लास्ट रेन होने वाला है, फिर ये बाय बाय कर देगा। दिस इज द लास्ट वन। इमोशनल फेयरवेल हो रहा है इसका इस साल का। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे मॉनसून, बाय बाय। दोस्तों आपको ध्यान होगा मैं अभी 2 दिन पहले बाइक रेंटल या स्कूटी रेंटल के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक एजेंट से मिला था देहरादून में, तो उन्होंने ये सब चीज बताई है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताया जनरल कैटेगरी का और रजिस्ट्री की कॉपी, मतलब जो जिस घर में आप इसका रेंटल करोगे वहां पर रजिस्ट्री कॉपी लगेगी या फिर रेंट एग्रीमेंट लगेगा अगर आप किराए पे लेके कर रहे हो। 3 साल की ITR, वरना 3 की नहीं तो जितने की भी वो लगा दो। 5 बाइक की कोटेशन या स्कूटी की कोटेशन और लैंडलाइन फोन नंबर देना पड़ेगा। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मैकेनिक का एग्रीमेंट होगा जो भी आसपास होगा कि हम इसको 3-4 हजार रुपए महीना देते हैं बाइक और स्कूटी की मेंटेनेंस का। रिसेप्शन दिखाना पड़ेगा, टॉयलेट दिखाना पड़ेगा, कार पार्किंग प्लेस दिखाना पड़ेगा। 3 साइड से क्लोज होगा, 1 साइड से ओपन होगा और इसका मैप भी बना के आर्किटेक्ट से साइन करवाने पड़ेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा टॉयलेट रिसेप्शन और पार्किंग प्लेस का। ID और फोटो तो लगेंगे जो बिजनेस करना चाह रहा है। तो 2 फाइल बनेंगी, एक ओरिजिनल बनेगी, एक इसकी फोटोकॉपी बनेगी और बस यही है। इस पर 2 लोगों पे जाती है दोनों फाइल, एक तो RTO में जाती है और RI में जाती है। RI पता नहीं क्या चीज है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया दोस्तों, डिटेल में, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ये मुझे 1 महीना हो गया घूमते घूमते, अब ठीक आदमी पे पहुंचा हूँ मैं। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। लाओ मुझे मेरा साफा दो, आज गर्मी हो रही है भाई, इसको पहन के जाएंगे सिर पे क्योंकि हमसी हो रही है घर के अंदर, तो बाहर तो फिर भी ठीक है। बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग चल रही है धीरे धीरे। सो दोस्तों जैसे ही घर से बाहर निकला ये 2 सांड मुझे दिखे तब मुझे याद आ गया आज तो घर वालों ने कुछ रोटी नहीं दी इनके लिए श्राद्ध की ना, और वैसे भी गाय आई नहीं रही, सांड ही आ रहे हैं, इन्हीं को दे रहा हूँ मैं तो आजकल रोटी। क्या कर रहा है, क्या है, इनसे कोई प्यार नहीं करते इसलिए थोड़ा डरते हैं। और जहाँ पे अपना Airbnb बन रहा है उससे पहले ही गली में ये कितना बढ़िया घर बनाया है व्हाइट कलर का, ये तिब्बती फैमिली है पूरी जिन्होंने ये बनाया है, यहाँ पे आती रहती है देखने। सो दोस्तों अब थोड़ा राजपुर रोड की तरफ जा रहा था और यहाँ पे देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, मस्त बारिश देहरादून में। मैंने कहा था ना कि कल बारिश आएगी तो बारिश, अब ये देखते हैं, शायद 2-3 दिन मौसम खराब बताया है, अब 2-3 दिन रहेगी ये क्या है। मैक्स हॉस्पिटल आए थे और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। यहाँ पे इसलिए आए थे, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ले ली ईसान भाई ने, तो वो चेंज करना आए थे, सारी मेडिसिन चेंज कर लिए, पैसे वापस कर दिए, ये चेंज कर देते हैं अगर एक्सेस में मेडिसिन आ जाती है। और भाई मौसम देखो, मैक्स हॉस्पिटल की पार्किंग दिखाता हूँ भाई, कितनी बड़ी और सारी फुल हो रखी है बिल्कुल। ये हॉस्पिटल नहीं है भाई, ये पूरा मॉल है, अंदर ना बरिश्ता वगैरह सब कुछ खुला हुआ है सब कुछ। आज मुझे लगा गर्मी होगी हुमस होगी तो मैंने तो भाई ये पहन लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। देहरादून का मौसम देख लो भाई, आज मुझे ले लो देहरादून के मौसम के, यही मेरे YouTube चैनल की खास बात है। कटहल का कितना बड़ा पेड़ है, ये लो। ओ बंदर भी आए हुए हैं भाई, बंदर भी आए हुए हैं। कैसे चिपका हुआ है भाई, कार में आके बैठ गए हैं, चाबी उसके पास है, एक्चुअली वैलेट पार्किंग है ना यहाँ पे, तो हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर तो आ गए हैं ना, बिना चाबी के अंदर तो घुस गए कार में। रिमोट सर्विस इन प्रोसेस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। हमारे आगे स्कॉर्पियन खटिए, ये हटाएगा कार तो ओपन होगी, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही जब तक वो चाबी नहीं देगा ना पार्किंग वाला, जब तक स्टार्ट नहीं होगी। नहीं ठीक है, ऐसा भी बिना चाबी के स्टार्ट भी नहीं चाहिए। कुछ मैंने एक देखा विदेश में कार चोरी कर ली हैक करके ना, कुछ कंप्यूटर सिस्टम से लगा के, लेकिन चाबी अगर बॉक्स में रखी है ना जहाँ से हैक ना हो, तो उसको पता है क्या करता था, बॉक्स के अंदर रखता था, बंद कर देता था उसको ताकि सिग्नल ना पहुंचे चाबी से, नहीं तो चाबी से ही हैक कर लेते थे वो। हाँ निकाल रहे हैं, अभी निकाल रहे, निकाल ही रहे हम भी। सो राजपुर रोड पे आ गए हैं मड कप कैफे। मड कप कैफे अपने एक जानकार ने ही ओपन किया है, तो आज आए हैं मड कप कैफे, धन प्रकाश जी के कैफे में। भाई यहाँ का इंटीरियर ये है, काफी प्यारा इंटीरियर है भाई, क्या लाइटिंग कर रखी है। धन प्रकाश जी जो ओनर हैं इसके, जो मेरे नॉन हैं, वो वहाँ पे बात कर रहे हैं फोन पे, अभी बुलाता हूँ।
बाकी भाई यहाँ से राजपुर रोड पूरा दिखता है ना, तो अच्छी लगती है ये वाला कैफे। देखो देहरादून अपने कैफेज के लिए जाना जाता है, क्या लाइटिंग की है भाई इन्होंने। भाई इनका मेन्यू देखो, बिल्कुल ये लगे हैं बुकलेट टाइप है, काफ़ी मैगजीन के जैसे कवर होता है ना, मैगजीन के पेपर्स होते हैं इस तरह से है बिल्कुल। सो बैक टू राजपुर रोड, और भाई थोड़ी देर रेस्टोरेंट में बैठे, कैफे में बैठे, अब वापस आ गए। भाई यहाँ पे कोई मेला लग रहा है इनका, तिब्बती वालों का। ये देखो सख्या जिनका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इतना तगड़ा मेला लग रहा है। क्या क्या बेच रहे हैं भाई ये, पूरे तिब्बती लोग आए हुए हैं। कुछ मेला सा है, देखो अंदर भी, अंदर भी देखो उसमें ना वीडियोग्राफी वगैरह सब हो रही है। सो दोस्तों बैक टू साइट, और यहाँ पर मिल गया है शिवा। शिवा आज तू अपने कमरे के आगे कैसे बैठा है, खाना खा लिया तूने? ना कभी कभी भी पूछ लो खाना खा लिया। सो रखा है ये सो के उठा है क्या? अच्छा सो इतनी जल्दी, अभी तो तेरे को ऊपर देखा तूने, सो भी क्या इतनी जल्दी? आज नहाया या नहीं नहाया? नहीं नहाया, नहाया भी नहीं है, खाया भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे गेम खेल रहा है हाई जंप, ये दो लड़की इसको पकड़ के खड़ी है उधर से। सिवा इधर खड़ा है, ये आया ये आया, टूट गया भाई पिछवाड़ा। भाई 4:30 बज गए हैं, बस अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है, आज का दिन बस ऐसे निकल गया। एक नया काम शुरू किया है एक्चुअली, जो ईशान भाई है उनके पास एंजल वन की, एंजल ब्रोकिंग की पूरी पार्टनरशिप है, और पूरा उनके पास उसका कस्टमर मैनेज सीएमएस है, एक सीएमएस सॉफ्टवेयर है, तो उसको भी पूरा हैंडल करना है भाई। तो वो भी आज सीखा, जब हम कैफे में बैठे थे तो काफ़ी उसको भी सीखा है। अब वो भी मेरे पास रहेगा क्योंकि मैंने शेर खान में काम किया हुआ है, तो उसको भी मैं इजिली हैंडल कर लूँगा। बाकी भाई यहाँ से देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश तो आनी रही है, बस ड्रिजलिंग हुई थी दोपहर में। ये देखो गोल्फ खेल रहे हैं, पैसिफिक गोल्फ, देहरादून की सबसे बेस्ट सोसाइटी। और इस तरफ मसूरी दिखाता हूँ, राजपुर दिखाता हूँ, ये पूरा राजपुर वाला एरिया है। देखो कैसे कितना प्यारा लग रहा है, पूरा फोग सी आई हुई है उस तरफ मसूरी में, तो भाई अलग ही मौसम है आज। देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो विजय भाई को बोलता हूँ या तो मसूरी या फिर थोड़ी सी केस घूम के आएंगे, जैसा भी होगा देखी जाएगी। बाकी आज हमने ये पड़ोस वाला प्लॉट क्लीन करवा दिया है, क्योंकि अब हम इसमें ही पार्किंग कर लेंगे, इसी में ही घास वगैरह लगा लेंगे, और यहाँ की मिट्टी भी हम उठा के सामने वाले प्लॉट में डाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लेवल में आ जाएगा। और यहाँ पे कल टीन लग जाएगी और गेट भी लग जाएगा, कल बढ़िया हो जाएगा ये प्लॉट, फिर इसमें पूरी घास लगाते हैं और भी चीजें करते हैं। ये अपने प्लम्बर आ गए हैं बाइक पे, चलो। हमारा टॉप फ्लोर है, ममटी है, ऑफिस रूम है, यहाँ पे भी प्लास्टर चल रहा है। प्लास्टर के बाद सबसे पहले होता है पुट्टी, और तो वो उसको करवाएंगे फिर पुट्टी जब ये सूख जाएगा। रो दीवार है ना उस तरफ, डेड एंड है पूरा, मतलब तो उसमें इसमें ना रो दीवार पे ईंट के ऊपर एक केमिकल होता है डॉक्टर फिक्सिट का 112 एस्प्रीन 2K करके, तो वो इसके ऊपर हो जाएगा वाटरप्रूफ, फिर इसके ऊपर प्लास्टर होगा, दो कोट होंगे उसके, फिर प्लास्टर होगा, फिर इसके ऊपर डैम प्रूफ वगैरह वो जो वाटरप्रूफ वाले पेंट आते हैं वो हो जाएंगे। बिल्कुल भी सिलाबी नहीं आएगी दीवार में बिल्कुल भी, तो उसको आज कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो कल परसों से आके वो काम चालू करे। बाकी यहाँ पे हमेशा की तरह भाई हवा चलती रहती है, ये देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, मस्त मौसम है भाई, क्या बताऊं। बस अभी 25 डिग्री हो रहा है। मम्मी क्या बना रही है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग करना मेरे लिए बहुत हार्ड हो गया है। आईफोन 14 प्रो की वीडियोस पता नहीं इस लैपटॉप में क्यों नहीं चल पा रही हैं, इसके लिए हार्ड हो रहा है क्या हो रहा है, पर मैं तो 1080p ही कर रहा हूँ, 4K वीडियोस भी नहीं, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है इसमें, मतलब हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो हैंग हो गया, ऑडियो चल रही है, वीडियो नहीं चल पा रही है, और टाइम लाइन चल रही है, देखो बहुत दिक्कत हो रही है भाई इसमें। लगता लैपटॉप छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल पे ही एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मतलब आज नहीं हो पाएगी भाई, सुबह ही वीडियो करते हैं तब तो आएगी। इसको बंद करते हैं क्योंकि मैं कब से बैठा हूँ भाई, मैं 11:30 बज गए, 4 बजे से बैठा हूँ, 4-5 बजे से, 6-7-8-9-10-11 6 घंटे से बैठा हूँ मैं यहाँ पे। The next day. Good morning from देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्री, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, लगातार पूरी रात हो गए दोस्तों बारिश होते 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 होते, पूरे गमले भरे हुए हैं देख सकते हैं, और मुझे भी छाते के साथ बाहर आना पड़ा वरना मैं भीग जाता रात को। यानी कि बारिश तेज हुई है, जब भी सड़कों पर ये पत्थर पड़ा है, अगर आपको पहाड़ों पर इस तरह से ये पत्थर मिले ना, ये बजरी, तो समझ लेना बारिश तेज है, तो साइड से पत्थर बह के आ गया है। चलो देखते हैं आज रेनी डे में क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि आज लेबर भी प्लॉट पर काम करेगी, आज भी वो गेट या टीन लगा पाएगी,
आज भी ऐसे ही रखा रहेगा वो। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। तुम लोग क्या बना रहे हो? दो दो कुकर चढ़ा रखे हैं। राजमा चावल? हाँ। हर्षिल वाले राजमा या चक्रता वाले? अभी तुम्हें नहीं पता, मतलब लाल वाले सफेद वाले? अरे यार लाल वाले इतने अच्छे नहीं लगते। दोस्तों हमारी हल्दी तो सूख गई थी, अब उसको पिसवाऊंगा मैं। और ये है हमारी लाल मिर्च, इसको भी हमें साबुत लाते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं और फिर हम इसको पीस लेंगे। तो घर की ही हल्दी और घर की ही लाल मिर्च हो जाएगी, कभी मार्केट से मत खरीदना। ठीक है दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सस्तधार रोड पे, किरसाली चौक पे। सबसे पहले संदीप भाई का पेमेंट कर देते हैं। ईंट आई थी उनकी दुकान, ये है शिव ट्रेडर्स, ये वाली, ये इनका नंबर है। हेलो संदीप भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, अभी आ रहे थे आप मेरे सामने सामने ही। अच्छा। मैंने सोचा भाई इनको यहीं रोक लूं, यहीं दे दूं पैसे। तो संदीप भाई ने ये ऑफिस बना रखा है, ये देखो। अब तो इन्होंने पेंट की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली बिरला की, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, केमिकल वगैरह हैं। अच्छा नैरोलैक भी आ जाएगा। अरे नैरोलैक की भी मशीनें आ गई हैं। तो नैरोलैक वालों ने मशीनें पहले रख दी, और बिरला की एक ही मशीनें हैं, नैरोलैक की दो मशीनें हैं। सो भाई संदीप भाई के यहाँ पे मल्होत्रा जी मिल गए हैं, और ये मिठाई खिला रहे हैं आनंदों की। रजिस्ट्री कराई है इन्होंने। ये कौन सी? अच्छा काजू, काजू कतली, चलो बढ़िया है, बस एक बहुत है। भाई विजय भाई के पास आ गया हूँ। हेलो विजय भाई, कैसे हो? तो एक गैराज में आए थे घर के पास, ये गैराज में आए थे, इसका एमसील लगनी थी। ये टूटी हुई है भाई, इसमें वाटर टैंक ना लीक हो रहा है, तो ये 400-500 रुपये बोल रहे हैं इसके। चलो अपने आप ही लगा लेंगे भाई। देहरादून को इस सोच समझ के शिफ्ट होना, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में आपको लूट लिया जाएगा। 400-500 रुपये बता रहे हैं एमसील लगाने के, कह रहे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक तो सही सॉल्यूशन नहीं देते। अब देखो हम एमसील खरीदेंगे और अपने आप लगाएंगे, और वो ठीक भी हो जाएगा। सो दोस्तों हार्डवेयर की दुकान से एमसील ले ली है सिर्फ 10 रुपये की। अब देखते हैं ये वर्क करेगी या नहीं। ये मिला रहे हैं, जो 500 रुपये वाला काम है वो 10 रुपये में कर रहे हैं। थोड़ा कस्टमाइज होना पड़ता है देहरादून के अंदर, वरना लूट लेंगे ये गैराज वाले। भाई बहुत लूट है, बहुत लूट है। गुस्सा आ रहा है मेरे को, इनको गाली देने का मन कर रहा है। अपनापन नहीं है यहाँ पे, कभी आप सोचो अपनापन है। मैन्युफैक्चर 8/23 की है, एक साल हो गया। 12 मंथ फ्रॉम मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर है, 12 मंथ है सेल्फ लाइफ। 8/1 की है। हाँ ये मैं बदलवा के ला रहा हूँ भाई, इसमें 12 मंथ तक चलती है, और एक्सपायर वाली रखी हुई है, सूख गई है ये। सूख गई क्योंकि ये पुरानी होगी, ये देखो ना, उस पर सारी एक्सपायरी रखी थी पूरा डिब्बा। अब इसी को लगा रहे हैं मजबूरी में। तो देहरादून में आपको एक्सपायरी माल भी मिलेगा, और वही लगाना पड़ेगा मजबूरी में, वरना बलैनों से बार बार उतरो, भागो यहाँ भागो वहाँ भागो, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये देखो भाई पहाड़ कैसे लग रहे हैं आज। सो ये लगा दिए हमने, ये जहाँ से टूटी हुई थी लग गई है। दोस्तों फैब्रिकेशन का भी पेमेंट कर दिया है, जो कि यहाँ पर हमने टीन और गेट बनवाए थे। और देखो ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये गर्ग जी की है, अपने ही जानकार हैं, और उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। सुभाष जी इसको भी अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा देना। ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, लिफ्ट हैं इसमें 2 और जीने हैं 2। और भाई किसी को लीज पे हॉस्पिटल खोलना है यहाँ पे तो खोल सकता है, कोई भी पैसिफिक से देख रहा हो या कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया। सस्तधारा रोड पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो गी है, और किसी को ये लीज पे लेनी है, शायद 6-7 मंजिला है ये, तो बात कर लेना गर्ग जी से। और गर्ग जी से कैसे बात करनी है, मैं इनका नंबर यहाँ से जूम करके दिखाने की, अच्छा इनका नंबर एक काम करता हूँ स्क्रीन पर डाल दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना एक बार। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ओवन बाय नवीन गर्ग, एडवोकेट है ये। सो दोस्तों दो तीन लोगों का पेमेंट करने के बाद मार्केट में मैं वापस आ गया था प्लॉट पे। आज इस पे टीन भी डल जाएगी, और ये देखो गेट भी ऑलमोस्ट लग गया है, कितना प्यारा गेट लग रहा है। अरे वाह बहुत बढ़िया, अब इसमें हम अपना लोन लगा देंगे लोक। अच्छा ये गैप है, इसमें गैप में से दिख जाता है क्या खड़ा है, हम सोच रहे थे कुछ दिखे ना, पर दिखेगा तो जरूर, यहाँ से भी दिख रहा है भाई। ट्रॉली वाले ने पत्थर भी डाल दिया, उसको मना कर रहे थे पत्थर मत डालना, बहुत ज्यादा पत्थर डाल रखे। चलो अब उसको बोलेंगे कि भाई पत्थर उठा के ले जा फ्री में, वरना हम पैसे फिर दोबारा से क्या देंगे, क्यों ये पत्थर यहाँ नहीं खपेगा, टूट के लग जाए अंदर दब जाए। अच्छा पत्थर का कुछ नहीं होता है ना, पत्थर तो टूटता भी नहीं है भाई, आग वाग लगा के तोड़ना पड़े। 2 ट्रॉली पत्थर है। इस डॉग को देखो कैसे लेटा हुआ है मस्त, अभी हमारी कार आई ना तो इनको उठना पड़ा, होश ही नहीं है भाई इसको। अरे कैसे लेटा है, कैसे लेटा है भाई, ये सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं ये सारे डॉग। ओ भाई नशा हो गया, नशा हो गया, नहीं नहीं विजय भाई ने पैर लगाया। ये देखो एक यहाँ सो रहा है, बाकी और इन कार के नीचे सो रहे हैं सब। ओह अंगड़ाई,
सबसे आलसी कुत्ते हैं पूरे देहरादून के भाई। शिवा दिख गया है यहाँ पे, ये देखो आज तो कैप पहनी है इसने। शिवा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। आज क्या खाया तूने? आज क्या खाया? कुछ नहीं खाया, कुछ भी पूछो। आज तू नहाया? आज नहाया तू? नहीं नहाया, पहले हाँ बोल रहा था। फिर ये कैप किसकी है? पापा का, कह रहा पापा का है। ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये? शिवा बोलो, इसको कुछ बोलना है तो बोलो। इसको गंदा बच्चा है, गंदा, मारो इसको, मारो, गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है, मारो इसको, मारो, मारो इसको, गंदा बच्चा है ये, मारो और मारो। डांस आता तेरे को? डांस करके दिखा दे, डांस करके दिखा दे, डांस, डांस, डांस करके दिखा दे, डांस करके दिखा दे, डांस, डांस करो और करो डांस। अरे वाह भैया, डांस भी आता है इसको तो, शिवा को। शिवा के कुछ बड़े भाई यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। ये असली के, असली के सिक्के हैं ये? अच्छा नकली है ये? ये लाइन के ऊपर आ गया है, बच गया, ये बोल रहा है बच गया है, इसको मारना है भाई। ये बताते हैं, देखते हैं अगर इसको, इसको उड़ा पाएगा नहीं, एक को उड़ाना है दूसरे टीम वाले। ये तूने पैसे यहाँ क्यों रखे? अगर इसने मार दिया तो ये सब इसको मिल जाएंगे? नहीं, उसको लग गया तो वापस एक भरेगा। अच्छा वापस भरेगा? अरे मारना वहाँ है, आ यहाँ पे आए। सबसे अच्छा निशाना किसका है यहाँ पे? मेरा। तेरा है? पर लॉन्ग जंप तो तू कूद नहीं पा रहा था, कल सबसे ज्यादा तेरी अटक रही थी। ये कूद रहा था सबसे ज्यादा। चलो भाई चलो चलो, बाहर आ गया, अब ये बाहर आ गया भाई, ये मतलब इसका फेल हो गया चांस, अब इसको नहीं मिलेगा मारने को। देखो कितने आराम से फेंकना पड़ता है इसमें, बहुत आराम से, बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये फेंकेगा, चलो। अरे दो बाहर चला गया, सबसे अच्छा तो इसने फेंका भाई, एक भी बाहर नहीं आया। बाहर तो आएगा ही आएगा उसमें लग के ना, या फिर ऐसे फेंको, ऐसे फैल जाए जो, ऐसे मत फेंको। ये फेंकेगा भाई लड़का, इसने पहले भी फेंका था। अरे दो बाहर चला गया। हाँ लक्ष्मण पे लक्ष्मण रेखा पार हो गई, बस एक बार और देखेंगे ये ऐसे डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। ये सबसे बड़ा लड़का है यहाँ पे, एक बार चला गया भाई, एक तो बाहर चला गया। चलो चलते हैं। सो दोस्तों मुकेश भाई को पिक कर लिया है और अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्लॉट है, वहाँ चलते हैं। मैं ऐसे वैसे प्लॉट नहीं दिखाता जो बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट होते हैं, व्यू अच्छा होता है, बहुत नेचर के बहुत करीब होते हैं, ऐसे प्लॉट दिखाता हूँ। तो गली मोहल्लों वाले प्लॉट में ना मेरे को पसंद आए कभी, तो चलो देखते हैं कैसा व्यू है, कैसा प्लॉट है। भाई पहुँच गए यहाँ पे टेबल, मैं इसको टेबल टॉप बोलता हूँ, मैंने नाम रख रखा टेबल टॉप इस जगह का, अभी दिखाता हूँ। देखो व्यू, मेरी फेवरेट लोकेशन है ये। सो दोस्तों पहुँच गया हूँ यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट प्लॉटिंग लेके। ये हिल क्रेस्ट है, ऊपर पूरा लैंडो और मसूरी दिख रहा है। देखो यहाँ से अपनी कार यहाँ तक आ गई है, ये देखो 360 डिग्री व्यू। एक प्लॉट ये है और इसका ही एक हिस्सा नीचे भी है। यहाँ से पूरा ये सस्ताधारा वाली रिवर दिख रही है, ये पूरा सस्ताधारा टू मालदेवटा रोड है, रैनीसेरा विलेज है, पूरा एक वैली है उस तरफ, वो पूरा रायपुर वाला एरिया है, ये पूरा पैसिफिक गोल्फ है, पैसिफिक गोल्फ का बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, पूरा ये पूरा पैसिफिक गोल्फ की नई वाली बिल्डिंग है। इन्हीं बिल्डिंग के पीछे मैं रहता हूँ। व्यू देखो भाई, है ना कितना प्यारा, ये कभी नहीं मरने वाला ये व्यू, ये हमेशा से रहेगा। ये एज के प्लॉट है, कोने वाले प्लॉट हैं। सो यहाँ पर कौन कौन से प्लॉट अवेलेबल हैं वो मैं मुकेश भाई से अभी कंफर्म कर लेता हूँ। चलो उस तरफ चलते हैं। भाई ये वाले बांस कितने प्यारे लगा रखे हैं, यही लगाएंगे हम भी, ये जो प्लॉट है लिया है इसमें भी यही लगाएंगे, और अपना एयरबीएनबी की बिल्डिंग के आसपास भी इस तरह के, इससे भी अच्छे वाले जो बांस होंगे वो लगाएंगे। इस तरह के पेड़ अच्छे लगते हैं, ये सब लगाने हैं। कोई समझदार आदमी है जिसने मेरी चॉइस के प्लांट लगाए हुए हैं रंग बिरंगे, ना कि घटिया वो अशोक का पेड़ लगाया हुआ है। ये देखो ये भी कितना प्यारा पेड़ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। वाओ ये देखो भाई,
एक प्लॉट ये भी है, इसका भी मालूम कर लेते हैं। ये भी एज पे है बिल्कुल, फिर उसके उधर जंगल टाइप है और नीचे वो सजधारा वाली रोड है। और एक ये है नीचे, क्या गजब लोकेशन है भाई, लोकेशन तो देखो। मुकेश भाई ये बताओ कौन कौन सा अवेलेबल है, क्या सिस्टम है? ये पूरा पैच है ऐसे? हाँ ठीक है, ये ऐसे गया, ये 900 गज में, ये इसी के साथ। अच्छा नीचे नीचे, अच्छा इसके साथ है ये, इसको मिला के और इसको मिला के 900 गज हो गया। बिल्कुल एज का है, इसके उधर कभी कुछ नहीं बनेगा भाई। ये तो लोकेशन ही सुपर्ब है, लोकेशन ही सुपर्ब है। उधर घर बनाओ, यहाँ बैठो, पढ़ो, खेलो, कूदो, मस्त अपना व्यू लो पहाड़ का। और बताओ इससे अच्छा क्या चाहिए? वो ब्रिज दिख रहा है नीचे ससधारा वाला, जिसपे तिब्बती फ्लैग लगे हुए हैं, नदी दिख रही है यहाँ से, तो दूर दूर से दूर तक का व्यू ले सकते हो आप। ये रोड है नीचे ससधारा वाली, और क्या चाहिए भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये वाला भी है 250 गज, ये वाला भी। अब ये तो बताओ, चलो एक आगे वाला भी देख लेते हैं, क्या क्या डिमांड है ये बताओ। दोनों के 900 गज वाला भी 48,000 रुपये गज है, और 250 वाला भी 48,000 रुपये गज है। डायरेक्ट आ जाना भाई, कॉन्टैक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन में से विजय भाई को, दिखा देंगे, ले लेना। और ये एग्रीकल्चर लैंड है, निगम के अंडर में एग्रीकल्चर लैंड में, मतलब कोई एक बंदा 900 गज भी ले सकता है, ये वाला भी है। और ये 250 गज भी एक बंदा ले सकता है, कोई बाहर से हो, उत्तराखंड से हो, नॉन उत्तराखंडी हो। लेकिन होम स्टे बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, मतलब कन्वर्ट करवाना पड़ेगा ऑफकोर्स आपको इस लैंड यूज़, लेकिन होम स्टे के लिए तो ज़रूरत नहीं है, एयरबीएनबी वगैरह आप बना सकते हैं। पर लोकेशन ऐसी है भाई, मज़ा ना आ गया, मज़ा आ जाएगा। बाकी एक इधर भी एज पे, ये वाला इस पेड़ के किनारे, ये तो सारे एज के प्लॉट हैं। वाह, ये कितने गज है? 150। ये 150, इसका भी 48,000 रुपये गज। बाकी बैठ के बात हो जाती है ऑन टेबल। देख लो 150 गज है, 48,000 रुपये गज, एग्रीकल्चर लैंड है, निगम में है। डायरेक्शन वगैरह अभी मैं नहीं बता सकता, वैसे सूरज इस तरफ से कहीं से निकलता है, इस तरफ से। दो प्लॉट वो हो गए, एक ही हो गया, ठीक है। बाकी ये इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री बना रखी है, अब हो सकता है कभी इन्होंने, अब यहाँ से रोड तो निकलेगी नहीं, देख लो भाई इस तरह से है ये। ये पुश्ते बना रखे हैं, बड़े बड़े पुश्ते हैं। ये चिड़िया बोल रही हैं, बांस के पेड़ हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं। आज दिन खिला हुआ नहीं है, वो धूप नहीं आ रही, आज बारिश भी आ सकती है शाम को, फिलहाल तो अभी रुकी हुई है। और बताओ, ये तीन प्लॉट है ना यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है भाई? तीन प्लॉट हैं, सबसे सुपर लोकेशन पे दिखा दिए। ये सिर्फ सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे देखने को मिलेगा इस तरह की प्लॉटिंग, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ना ये मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी डीलिंग का है। हमेशा प्लॉट नहीं दिखाता हूँ, छोटा सा बीच में क्लिप दिखा देता हूँ, अगर कुछ बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग प्लॉट आता है तो। जेन्युइन प्लॉटिंग है, मुकेश भाई के अंडर में है, विजय भाई के अंडर में है। डिस्क्रिप्शन से विजय भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना और बोल देना ये वाली प्लॉटिंग चाहिए देहरादून में, इससे अच्छा क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा इससे अच्छा। और 250 गज, देखो यहाँ पे 250 गज का प्लॉट ये भी है, ये वाला है ना, लोकेशन मस्त, प्योर देहरादून, नॉर्थ देहरादून लोकेशन। किसी को शौक हो ना पहाड़ों में आके रहने का, अपना शौक पूरा करो, बिल्कुल प्योर इन्वायरमेंट, स्वच्छ हवा। तो ये 250 गज भी 38,000 रुपये गज है, ये कितना है? ये 42 है, ये 42 है, ये भी निगम में एग्रीकल्चर लैंड है ना। चलो ठीक है भाई, प्लॉट हो रहा है भाई ये रहा, 40,000 रुपीज़ गज, 100 गज का प्लॉट है, सिर्फ 100 गज का, इस पेड़ के पास, इसी लोकेशन पे, टेबल टॉप पे। चलो अब वापस चलते हैं।